आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन बिजली बिल जमा करने का तरीका बताऊंगा। अभी JBBNL में नया पोर्टल लॉन्च हो चुका है, तो किस तरह से नए पोर्टल में नए वेबसाइट में आप बिजली बिल जमा करेंगे आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बिजली बिल जमा करना बहुत आसान है इस पोर्टल से, तो चलिए जानते हैं किस तरह से नया पोर्टल से बिजली बिल ऑनलाइन जमा करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल के या फिर कंप्यूटर के क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करना है, नीचे स्लाइड करना है। यहाँ पे आपको डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन दिखाएगा, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद ये जो सर्च बार देख रहे हैं इस पे आपको टाइप करना है jbvnl.co.in। अगर आप झारखंड स्टेट से है तो jbvnl.co.in ये आपको टाइप करना है और इसे सर्च करना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह से झारखंड बिजली विद्युत नगर लिमिटेड का जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, नीचे स्लाइड करना है और नीचे स्लाइड करने के बाद यहाँ पे देखें लिखा क्विक पे बिल्स, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। यहाँ देखिए लिखा सर्च बिल बाय, आपको बिल सर्च करना है। तो किसके द्वारा करना चाहते हैं, कंज्यूमर नंबर या बिल नंबर, तो सबसे बेस्ट होता है कंज्यूमर नंबर, इस पे क्लिक कर देना है। उसके नीचे है प्लीज सिलेक्ट, यहाँ से आपको सब डिवीजन कोड को सिलेक्ट करना है। सब डिवीजन कोड आपको बिजली बिल में मिल जाएगा, वहां से देख के सब डिवीजन कोड को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद नीचे यहाँ लिखा इनपुट कंज्यूमर नंबर, यहाँ पे आपको अपना कंज्यूमर नंबर डालना है और सबमिट करना है। नीचे देखें सबमिट का ऑप्शन है, इस पर सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ी देर बाद यहाँ पे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। ये JBBNL का नया पोर्टल है, नया लॉन्च हुआ है। तो अब बिजली बिल जमा करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ देखें कंज्यूमर नंबर है, इस पर क्लिक करना है। उसके थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद यहाँ पे देखें नीचे में इस तरह से ऑप्शन आएगा, यहाँ लिखे ऑफिस एड्रेस। ऑफिस एड्रेस यानी यहाँ पे आपको सब डिवीजन कोड सिलेक्ट करना है, 13 पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपना सब डिवीजन कोड को सिलेक्ट करना है, इस तरह से आप क्या करें सब डिवीजन कोड को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आता है नीचे कंज्यूमर नंबर, यहाँ पे आपको अपना कंज्यूमर नंबर डाल लेना है, कंज्यूमर नंबर आपको बिजली बिल में मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आता है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आप यहाँ पर डाल भी सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं, तो यहाँ पर डाल भी दे इस तरह से। और नीचे है गेट बिल डिटेल्स, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका जितना भी बिल डिटेल है वो यहाँ पे, जो भी बिल डिटेल है यहाँ पे शो होगा, देख सकते हैं। यहाँ पे मेरा कंज्यूमर नेम, यहाँ पे आप मिला ले कंज्यूमर नेम, बिल नंबर और बिल मंथ, किस महीना का बिल है यहाँ से देख सकते हैं, ड्यू डेट आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद नीचे बिल अमाउंट, कितना का बिल अमाउंट है यहाँ से देख सकते हैं और कितना पे करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो भी है यहाँ से आप अपना डिटेल देख सकते हैं। पेमेंट करने के लिए नीचे यहाँ स्लाइड करके देखिए लिखा ऑनलाइन पेमेंट थ्रू, आप किसके द्वारा पेमेंट थ्रू करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करना है। यहाँ दो ऑप्शन है, तो अगर आप चाहते हैं कि कार्ड द्वारा पेमेंट करें तो ऊपर क्लिक करना है, NEFT RTGS करना है तो नीचे क्लिक करना है, उसे मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद इस तरह से यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको पेमेंट करना है, तो यहाँ पर आप अपना अमाउंट देख सकते हैं कितना अमाउंट है, और यहाँ पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करेंगे अगला जो पेज ओपन होगा इस तरह से पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पेमेंट करने का यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है कार्ड द्वारा, दूसरा है नेट बैंकिंग, तीसरा है कैश कार्ड और वॉलेट। अगर आपके पास कोई वॉलेट है तो यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए कार्ड पर क्लिक करते हैं, कार्ड द्वारा पेमेंट करते हैं। तो यहाँ से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी है यहाँ से सिलेक्ट कर लें, जैसे मान लीजिए डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका यहाँ पर सिलेक्ट डेबिट कार्ड ऑप्शन, आपका डेबिट कार्ड कौन सा है, वीजा है, मास्टर कार्ड है, रुपए कार्ड है, जो भी है यहाँ से सिलेक्ट करें। उसके बाद नीचे देखे पे नाउ का ऑप्शन है, पे नाउ पे क्लिक करना है। थोड़ी सी देर बाद इस तरह से आपका प्रोसेस होगा और इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखे आपको पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आप अगर आपने कार्ड नंबर कार्ड द्वारा सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे आपको कार्ड नंबर डालना है, नीचे में जो आपका कार्ड में जो नाम है वो यहाँ पे नाम डालना है, और नीचे आपको एक्सपायरी में मंथ ईयर यहाँ पे डाल देना है, और उसके नीचे आपको CVV नंबर डालना है। और मैं आपको बताता हूँ CVV नंबर होता है जो आपके कार्ड के जो पीछे इस तरह से 3 डिजिट का नंबर होता है वो CVV नंबर है, वो डालना है और नीचे पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करेंगे थोड़ी देर बाद आपका पेमेंट यहाँ पर प्रोसेस हो जाएगा, और प्रोसेस होने के बाद आपके सामने ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट भी यहाँ पे आ जाएगा।